नमस्कार दोस्तों, संदेश करियर पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं ब्लड इलेक्शन का पार्ट 3 पढ़ाने जा रहा हूँ। इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 यूट्यूब चैनल संदेश करियर पॉइंट पर अपलोड कर दिया गया है। और पार्ट 3 वीडियो देखने से पहले आप पार्ट 1 और पार्ट 2 इसके वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, तभी आगे आपको इसको समझ में आएगा, ठीक है ना। तो आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है, यहां पर प्रश्न क्या कहना चाह रहा, देखिएगा। कह रहा कि एक आदमी, तो पहले आप बना लेंगे एक आदमी, एक आदमी एक महिला से कहता है, तो यहां महिला निकाल लीजिए, ठीक। एक आदमी एक महिला से कहता है, उसके बाद क्या कहता है, आपकी माता, आपकी मतलब महिला की माता, आपकी माता के पति, माता के पति, आपकी माता के पति की बहन, पति की बहन मेरी बुआ है। मेरी मतलब जो आदमी कह रहा था उसकी बुआ है। तो अब इसकी बुआ बनाने का कैसे होगा, देखिए ये इनकी बहन है तो इन्हीं का लड़का बना दें, किसको, आदमी को। देखिए यहां पर इसी क्या हो जाएंगी, ये बुआ हो जाएगी। आप यहां से इस आदमी को हटा दीजिए। क्वेश्चन को पढ़ के देखिए, एक आदमी, ये एक आदमी है, एक महिला से कहता है, इस महिला से कहता है आपकी माता, आपकी मतलब महिला की माता, आपकी माता के पति, तो आपकी माता के पति, ध्यान दीजिएगा ये पति है और यहां पर इनकी माता है ना, आपकी माता के पति की बहन, देखिए पति की ये क्या लग रही है, बहन मेरी बुआ है। वो आदमी कहना चाहता है कि आपकी माता के पति की जो बहन है वही मेरी बुआ है। अब क्वेश्चन क्या है, वह महिला उस पुरुष से, तो ध्यान दीजिएगा पुरुष के साथ यानी आदमी के साथ से लग गया तो महिला के साथ क्या हो जाएगा, का हो जाएगा। और ब्लड रिलेशन बताए कि से का की तरफ चलते हैं। इन दोनों में अगर हम रिलेशन देखने चले, अगर इन दोनों में रिलेशन देखें तो दोनों समान पीढ़ी में जुड़े हुए हैं और ये इसकी महिला क्या हो जाएगी, बहन। क्यों बहन हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों एक ही माता पिता के संतान है या दोनों भाई बहन है, ठीक है ना। तो ये महिला यहां पर क्या हो जाएगी, बहन। तो इसका उत्तर क्या होगा, सी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन को समझते चलिएगा, क्योंकि ब्लड रिलेशन एक ऐसा चैप्टर है जो किसी भी एग्जाम में, जिसमें रीजनिंग आता है, चाहे पुलिस हो, दरोगा हो, एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, किसी भी एग्जाम में इससे प्रश्न जरूर आता है। तो जो भी कराऊं पूरे वीडियो का अंत तक देखिएगा और समझ में आता है, मान लीजिए आपको लगे कि हम लोग जो समझा रहे हैं, मैं जो वीडियो को समझा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा हो, तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है, ध्यान दीजिएगा, एक व्यक्ति की ओर, क्वेश्चन है एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए, तो पहले व्यक्ति बना लेते हैं। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा, यहां राम बना लीजिए। यहां दो लोग का जिक्र है, पहला इस व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कौन कहना चाह रहा है, राम ने कहा। राम क्या कहना चाहता है, राम ने कहा उसका एकमात्र भाई, इसका एकमात्र भाई मेरे बेटे के पिता का पिता है। तो ध्यान दीजिएगा यहां कहना चाहता है उसका एकमात्र भाई, हमने उसका एकमात्र भाई बना दिया, फिर कहा कि मेरे बेटे के, तो मेरे बेटे के, ये इसका बेटा हो जाएगा, और मेरे बेटे के पिता का पिता है। तो काम कर लीजिए यहां पर, तब राम को लेके आइए और यहां ले आइए क्या, उसका बेटा, यहां कर लीजिए राम, लाइन अपने आप क्लियर हो जाएगा। क्योंकि यहां पर कहना क्या चाहता है
कि एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए, इस व्यक्ति को इशारा करते हुए राम ने कहा कि उसका एक मात्र भाई, मतलब उस व्यक्ति का एक मात्र जो भाई है वो मेरे, मेरे मतलब राम कह रहा है तो राम का हो जाएगा। यहां कहा कि मेरे बेटे के पिता, अब बेटे के पिता तो राम खुद जाएंगे, तो मेरे बेटे के पिता का पिता है, तो ध्यान दीजिएगा ये इनके भी पिता है। यहां पर आप इसको बनाए चाहे ना बनाए इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह व्यक्ति राम से किस प्रकार संबंधित है, ये जो व्यक्ति है वह राम के, राम के साथ से है तो व्यक्ति के साथ क्या हो जाएगा, का हो जाएगा। अब यहां पर ये इसके पिता और पिता के भाई क्या हो जाएंगे, चाचा, और यही आपका क्या होगा उत्तर आएगा, चाचा। वह व्यक्ति राम से किस प्रकार संबंधित है तो वह व्यक्ति राम से क्या हो जाएगा, चाचा निकल कर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, चाचा। अब हम अगले प्रश्न की तरफ लेके चलेंगे, और जो भी क्वेश्चन करा रहा हूं ये किसी न किसी एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से क्वेश्चन को समझते चलिएगा और इसका नोट बनाते चलिएगा, और जो भी रीजनिंग का किताब रखे हैं उसको पूरा अच्छे से लगाइए ताकि एग्जाम में आपके क्वेश्चन गलत ना होने पाए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है बस में एक लड़की की ओर, मान लेते हैं कि ये बस में एक लड़की बैठी, बस में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने, यहां बना लीजिए आदमी, एक आदमी ने अपने मित्र से कहा, ये इसका मित्र है, अपने मित्र से कहा, वह, वह मतलब ये लड़की, चूंकि लड़की के बारे में कहना चाहता है और किससे कह रहा है, अपने मित्र से कह रहा है, तो कहा कि वह मेरे पिता की, मेरे मतलब जो आदमी कह रहा है इसके पिता की, वह, वह मेरे पिता की पत्नी के, पिता की पत्नी के इकलौते पुत्र, इकलौता ये पुत्र हो जाएगा, इकलौता पुत्र हो जाएगा, इकलौते पुत्र की पुत्री है, इकलौते पुत्र की ये क्या हो रही है, ये पुत्री हो रही है, यहां पर बना देंगे महिला, यहां ले लेंगे इसको लड़की को। अब क्वेश्चन है कि लड़की उस आदमी से, ध्यान देंगे यहां पर आदमी के साथ से लगा है तो लड़की के साथ क्या हो जाएगा, का हो जाएगा, और ये लड़की इसकी क्या बनेगी, पुत्री, क्योंकि का शब्द इसी के साथ है तो आंसर क्या बनेगा, बी हो जाएगा, पुत्री। लड़की उस आदमी से, आदमी के साथ से है तो लड़की के साथ का हो जाएगा, तो लड़की इसकी क्या होगी, पुत्री, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि एग्जाम के अगला क्वेश्चन क्या है। अब नेक्स्ट टाइप लेके चलेंगे जहां पर संकेत का प्रयोग किया जाएगा, ए प्लस बी बराबर ए बी की पुत्री। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर ध्यान से देखेंगे तो ऐसा जो क्वेश्चन है वो आजकल हर एग्जाम में पूछने लगा है और बड़ा आसान होता है, ऐसे क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं, बस इस संकेत का प्रयोग जैसे कह रहा है यहां पर उसी तरीके से आपको करना होता है। इस क्वेश्चन को लगाने से पहले इसका मतलब समझा दें तो कितना भी क्वेश्चन कराएंगे आप कर लेंगे। यहां पर कह रहा है कि ए और बी में गुणा का साइन है, और कह रहा है कि ए गुणे बी का अर्थ है ए बी की माता है। ध्यान दीजिएगा यहां पर माता शब्द ए के लिए कहना चाह रहा है, यहां कहना चाहता है कि ए जो है वो माता है किसकी, बी की। तो आप ऐसे बनाएंगे, ए को ऊपर कर देंगे और महिला साइन दिखाएंगे, यहां नीचे क्या होगा, बी हो जाएगी। उसी तरीके से ए माइनस बी का अर्थ में देखिए, ए बी का पिता है, ए को पिता कहना चाहता है किसका, बी का। अगर आप इसको बनाते हैं तो ध्यान दीजिएगा आप यहां पर ए कर लेंगे और पुरुष करके यहां बी कर देंगे, ए बी का पिता हो जाएगा। इसके बाद अगली लाइन है ए बी में भाग का साइन है और करा ए भागे बी का अर्थ है ए बी का भाई है, यहां
ए को भाई कहना चाह रहा है, तो भाई के लिए आप भी जानते हैं कैसे बगल में हम ऐसे बैठाते हैं, ए बी का भाई हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन देखेंगे, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, यानी आप ए करके यहां पर क्या कर देंगे, बी बना देंगे। अब ए को बहन कह रहा, तो ए महिला हो जाएगी। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, आप लास्ट में जहां जहां बी दे रखा है हर जगह देखेंगे तो बी का जेंडर क्लियर नहीं हो पाता है, और ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए जैसे के लास्ट में है तो के का जेंडर क्लियर नहीं हो पाएगा। के का जेंडर एक ही शर्त पे क्लियर होता है, जब इस निर्देश में पति और पत्नी का जिक्र करता है, अगर डी को पत्नी कहेगा तो के ऑटोमेटिक उसका पति बन जाएगा। ऐसा क्यों कह रहा हूं वो क्वेश्चन में भी आपको हम क्लियर कर दूंगा। अब यहां अगर ये निर्देश समझ गए हो तो प्रश्न को आराम से कर सकते हैं। क्वेश्चन है अभिव्यक्ति में डी सॉरी एम माइनस डी प्लस के में डी एम से किस प्रकार संबंधित है, तो पहले हमें काम करते हैं, एम और डी के बीच में यहां पर माइनस साइन लगा हुआ है, तो जो साइन यहां पर लगेगा वही साइन देखा जाएगा। अगर यहां माइनस है तो आप माइनस वाला ही देखेंगे, और ए माइनस बी में ए बी का पिता था, यहां माइनस साइन से पहले जो ए था उसको आपने ऊपर रखा है, पिता बनाया है। उसी तरीके से यहां माइनस साइन में पहले एम है तो एम को ऊपर रखेंगे और एम को आप क्या करेंगे, पिता बनाएंगे। जैसे ए माइनस बी में ए बी का पिता हो रहा था, उसी तरीके से एम माइनस डी में जो एम होगा वो डी का क्या होगा, पिता हो जाएगा। इसके बाद डी प्लस के लिखा हुआ है, डी और के में प्लस साइन लिखा हुआ है तो आप प्लस साइन वाला ही देखेंगे, और यहां ए प्लस बी में अगर देखेंगे तो ए को बोल रहा था कि बी की बहन है, यानी प्लस साइन से जो पहले था उसको आपने बहन बना दिया, तो यहां प्लस साइन से पहले डी क्या होगा, के की बहन हो जाएगी, तो यहां डी को हम के की बहन बना देंगे। ठीक, हम डी को क्या कर दिए, के की बहन बना दिए। अब यहां पर क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन कह रहा है कि डी एम से किस प्रकार संबंधित है, डी एम से किस प्रकार संबंधित है, तो देखिए एम के साथ से लग गया तो डी के साथ क्या हो जाएगा, का हो जाएगा, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं कि अगर एम के साथ से है तो डी के साथ का हो जाएगा। और ब्लड रिलेशन में मैंने एक नोट लिखवाया था पहले वीडियो में कि से का की तरफ चलेंगे और जिसके साथ का लगेगा वही हमारा उत्तर होगा, तो यहां पर ये डी जो होगी वो पुत्री हो जाएगी किसकी, एम की, यानी आंसर क्या होगा, बी, क्योंकि डी एम से किस प्रकार संबंधित होगी, पुत्री के रूप में। ठीक है ना, तो इसी निर्देश पर, ये जो निर्देश है इसी पे क्वेश्चन और करवाएंगे, उसके बाद हम अगले टाइप पे लेके चलेंगे। तो निर्देश नहीं मिटा रहे हैं, ये क्वेश्चन आपको मिटा करके यहाँ एक क्वेश्चन दूसरा देंगे और इसी निर्देश पर एक क्वेश्चन और कराते हैं, क्योंकि कभी कभी तीन क्वेश्चन देता है, कभी एक कभी दो भी दे सकता है। तो चलिए इसी निर्देश पर अगला प्रश्न देखते हैं। आइए सेम निर्देश पर अगला प्रश्न देखते हैं। यहां निर्देश हमने वही रखा है, आप देखेंगे सब पूरा लाल पेन वगैरह चला हुआ है, निर्देश वही है, बस क्वेश्चन बदल दिया मैंने। क्वेश्चन में क्या, निम्न में से किसका अर्थ है कि के आई का मैटरनल ग्रैंडफादर है। अब आप समझिए मैटरनल ग्रैंडफादर का मतलब क्या है, जब तक मैटरनल ग्रैंडफादर का मतलब नहीं समझेंगे तो आप इसमें बता ही नहीं पाएंगे चार ऑप्शन में से कौन सही होगा। एक बार ध्यान दीजिएगा, जितने भी रिलेशन है उनका इंग्लिश याद होना चाहिए। जैसे मैटरनल ग्रैंडफादर किसको बोलते हैं, नाना को बोलते हैं, मैटरनल अंकल मामा या मौसा, ठीक है, नीस भतीजी, नेफ्यू भतीजा, ठीक है ना, इस तरीके से बहुत सारे रिलेशन है जिसको आपको अंग्रेजी मीनिंग आना चाहिए, क्योंकि अंग्रेजी मीनिंग अगर आप नहीं जानते होंगे तो फिर क्या होगा कि आजकल की एग्जामों में इसका पूछ रहा है ऑफलाइन क्लास में, हालांकि मैं बकायदे पूरा लिखवाता हूँ, ठीक है ना, कि जैसे नाना को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, दादा को क्या बोलेंगे ना, उसी तरीके से जीजा हो गए ना, या साला हो गया, इस तरीके से मैं पूरा लिखवाता हूँ बकायदे। अब चूंकि ऑनलाइन एग्जाम में मैं सीधा क्वेश्चन की तरफ ले गया रूल के बाद, बाकी जो इसका रिलेशन है
वो आप ट्राई करते रहिएगा, ठीक है। यहाँ पर मैटरनल ग्रैंडफादर की बात है तो नाना की बात कर रहा है, सॉल्व करके देखते हैं, क्योंकि यहां कहना चाहता है कि के आई का मैटरनल ग्रैंडफादर है तो ग्रैंडफादर का मतलब के को पुरुष होना पड़ेगा, एक बार ध्यान दीजिएगा, और के अगर आखिरी में होगा तो हमेशा गलत बनेगा। यहां जब चार ऑप्शन चेक करने की बात करता है तो ध्यान दीजिएगा, इसको चेक करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन हाँ एक बात कर सकते हैं, क्योंकि के को मैटरनल ग्रैंडफादर यानी नाना बोला है, के पुरुष होना चाहिए, तो आप ध्यान देंगे एक बात, यहां माइनस है पहले वाले में तो माइनस से पिता बोल रहा है तो ये तो पुरुष निकल कर आ जाएगा, दूसरे वाले में भाग का साइन है तो यहाँ भाई बोल रहा था ये भी पुरुष आ जाएगा, अगले माइनस ये भी पुरुष आ जाएगा, और बूढ़ा वाले में क्या कह रहा था माता मतलब ये महिला निकल कर आएगा, तब ये तो हट जाएगा आंसर। इसका मतलब जब भी चेक करेंगे आप इन तीनों में से कोई एक ही आंसर होगा, चौथा वाला नहीं होगा। तो आइए देखते हैं, यहां पर पहला हम चेक करेंगे, के माइनस डी लिखा हुआ है, माइनस में ए बी का पिता कह रहा था, मतलब यहां पर के जो होगा वो डी का क्या होगा पिता हो जाएगा। उसके बाद डी और आई में बूढ़ा का साइन है तो बूढ़े वाले में आप देखेंगे ए बी की माता हो रही है, मतलब डी क्या होगी आई की माता हो जाएगी, डी आई की माता, क्योंकि के को आई का नाना बोल रहा था, मैटरनल ग्रैंडफादर का मतलब नाना होता है, और आई की माता यहां देखेंगे डी है और माताजी के पिता के हैं, तो माताजी के जो पिता होते हैं हमेशा क्या लगते हैं नाना लगते हैं, यानी पहला ऑप्शन आपका क्या होगा 100% ट्रू है, तो बाकी दोनों ऑप्शन चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एग्जाम में समय कम होता है, अगर हमारा पहला आंसर मिल गया तो बाकी चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अब हम अगले प्रश्न की तरफ लेके चलेंगे, निर्देश चेंज करेंगे और चेंज करके देखेंगे अगला टाइप प्रश्न क्या है। इस टाइप क्वेश्चनों में आपको बड़े ध्यान से समझते चलना है, बहुत आसान होता है, बस संकेत का प्रयोग करना जानते होंगे तो कोई समस्या नहीं आएगी। चलिए अगले क्वेश्चन तक आइए, अगला प्रश्न देखते हैं। P प्लस क्यू में दे रखा है, P पिता है Q का, P माइनस क्यू का अर्थ दे रखा है P माता है Q की, P गुड़े Q में P भाई है Q का, और P भागे Q में P बहन है Q की, और P स्टार Q में P पुत्र है Q का, और P हैश Q में P पुत्री है Q की, ये दे रखा है। अब यहां पर एक लाइन कह रहा है ए एफ से किस प्रकार संबंधित है, लेकिन यहां पर क्वेश्चन लिखना भूल गया है, देखें कह रहा है कि दिए गए अभिव्यक्ति में ए एफ से किस प्रकार संबंधित है, ए एफ से किस प्रकार, ये एक अभिव्यक्ति दी गई है और इसमें आपको ए जो होगा एफ से किस प्रकार संबंधित है ये बताना है। तो पहले जैसे कह रहे रिलेशन को बनाते चलिए, ए प्लस बी दे रखा है तो प्लस वाले में देखेंगे ऊपर तो पी पिता है क्यू का, मतलब यहां पर देखेंगे तो ए पिता हो जाए किसका बी का, फिर बी और सी में बूढ़ा का साइन है तो बूढ़े में देखेंगे पी भाई क्यू का, मतलब बी भाई किसका सी का, पहले प्लस था तो प्लस वाले में पी पिता है क्यू का तो हमने क्या कर दिया यहां पर ए पिता कर दे किसका बी का, फिर बी और सी में गुड़ा का साइन था तो गुड़े वाले में हमने देखा पी भाई क्यू का ना, यानी बी भाई जगह किसका सी का, अब सी और डी में भाग का साइन है तो यहाँ पी बहन है क्यू की बोल रहा भाग में, यानी सी बहन है किसकी डी की। अगला लाइन है डी स्टार ई लिखा हुआ है, यहाँ पी पुत्र है क्यू का यानी डी पुत्र हो जाए किसका ई का, और अगला लाइन है ई हैश एफ में, यहां हैश वाले में पी पुत्री क्यू की मतलब ई पुत्री किसकी एफ की, तो यहां पर एक काम कर लेते हैं, जगह थोड़ा सा कम है ठीक है ना, इसको ऊपर यहां से बना लेते हैं, ई पुत्री हो जाए किसकी एफ की, यहां एक महिला हो जाएगी, या थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं तो अपने आप क्लियर हो जाएगा ठीक है ना। यहां पर हम किसको ले रहे थे ई को ले रहे थे, ये पुत्री यहां पर क्या होगा एफ हो जाएगा ठीक है ना, और ये जो ए हो जाएंगे ई के बराबर में आ जाएंगे, यहां पर हम क्या करेंगे ए कर लेंगे ठीक है। अब ए एफ से किस प्रकार संबंधित है तो ध्यान दीजिएगा,
यहाँ ई की यहाँ लड़का है, यहाँ ए का ये लड़का है, ये तीनों आपस में भाई बहन के रिलेशन से है, मतलब इन दोनों में क्या करवा दीजिए, वैवाहिक संबंध। क्योंकि यहाँ पर जो डी की ई माता है तो यहाँ पर डी का पिता कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। और क्वेश्चन है ए एफ से किस प्रकार संबंधित है, तो ध्यान दीजिएगा ये इनकी पत्नी है, और पत्नी के अगर पिता होते हैं तो इनके ससुर हो जाएंगे, अगर आपको महिला मान ले तो पत्नी की माता क्या हो जाएंगी, सास। तो एफ यहां पर अगर सास हो जाएंगे, एफ यहां पर सास या तो ससुर होंगे, और सास या ससुर के क्या हो गए, दामाद। तो आंसर क्या मिलेगा, बी ऑप्शन इसका दामाद निकल कर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये है इसका आंसर, कितनों बड़ा दे रखा हो, अगर संकेत का प्रयोग करना जानते हैं तो आसानी से कर लेंगे। इसी पे एक क्वेश्चन और कराते हैं ताकि जो थोड़ा मेरा मन में डाउट होगा वो डाउट पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। और हाँ, ऐसे क्वेश्चन को समझ करके जो भी रीजनिंग का किताब ले रखे हैं उस किताब को एक एक क्वेश्चन लगा लीजिएगा ताकि एग्जाम में गलत ना हो पाए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आइए, अगला प्रश्न देखते हैं। ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, ए भागे बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, और ए गुणे बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, इसका पति हो जाएगा। अभिव्यक्ति पी प्लस एस माइनस टी में पी का टी से क्या संबंध है, पहले प्लस वाला देखेंगे। तो प्लस यहां लिखा हुआ है, यहां पी प्लस एस है तो यहां ए प्लस बी देखेंगे, और ए प्लस बी में ए बी की पुत्री, यहां पर ए को पुत्री बोला यानी पी पुत्री है किसकी, एस की। उसके बाद एस माइनस टी लिखा हुआ है, माइनस में ए बी का पिता है, यहां ए को पिता बोल रहा मतलब यहां पर एस क्या होगा, पिता हो जाएगा, ठीक है, किसका, ठीक है। ध्यान दीजिएगा पी प्लस एस में क्या था, प्लस में ए बी की पुत्री हो रही थी, यहां पर पी को एस की हमने क्या कर दिया, पुत्री कर दिया। और एस माइनस टी में क्या कह रहा था, ध्यान दीजिएगा एस माइनस टी में क्या था, ए माइनस बी में ए बी का पिता हो रहा था ना, तो एस माइनस टी में क्या होगा, एस टी का पिता हो जाएगा, इन दोनों में समान पीढ़ी हो जाएगा। अब टी का जेंडर क्लियर नहीं है, क्वेश्चन क्या है, पी का टी से क्या संबंध है, पी के साथ का है और टी के साथ से है, तो पी टी की बहन आ जाएगी, पहला ऑप्शन क्या होगा, सही उत्तर बन जाएगा। तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन आसान होता है, कोई खास दिक्कत नहीं होती है। आइए क्वेश्चन और देख लिया जाए, चलिए अगले क्वेश्चन, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। पी गुणे क्यू में पी क्यू का भाई है, पी माइनस क्यू में पी क्यू की बहन, और P प्लस क्यू में पी क्यू का पिता, और P भाग क्यू में पी क्यू की माँ। अब यहां देखेंगे H प्लस टी भागे R माइनस D में T का D से क्या संबंध है, H प्लस टी है तो प्लस वाले में पी क्यू का पिता दे रखा है, मतलब H जो होगा वो T का पिता हो जाएगा। उसके बाद T और R में भाग का साइन है तो यहां पर क्या होगा, पी क्यू की माँ है, मतलब टी जो होगी वार की माँ हो जाएगी। उसके बाद आर माइनस डी दिखा है, पी माइनस क्यू में पी क्यू की बहन है, मतलब यहां पर आर जो होगी वो डी की बहन। ध्यान दीजिएगा एच प्लस टी था और प्लस में पी क्यू का पिता हो रहा था, मतलब एच टी का पिता हो जाएगा, टी भागे आर दे रखा था, भाग में पी क्यू की माँ है, मतलब टी आर की माँ हो जाएगी, और माइनस में पी क्यू की बहन मतलब आर डी की बहन। तो T का D से संबंध, T के साथ का है और D के साथ से है, तो संबंध बताना है इन दोनों में। तो ऑप्शन आपके सामने लिखा हुआ है नेफ्यू नीस, पहले नेफ्यू का मतलब क्या होता है, भतीजा, नीस किसको बोलते हैं, भतीजी को, तो उसी तरीके से नेफ्यू नीस का मतलब भतीजा या भतीजी। अगला है आंकड़े अपर्याप्त और लास्ट इनमें से कोई नहीं। तो चलिए यहां देखते हैं, ये दोनों आपस में भाई बहन अगर होंगे तो टी यहां पर क्या हो जाएगी, मां हो जाएगी, क्योंकि एक पीढ़ी ऊपर है और महिला है तो मां। अब ऑप्शन में कहीं मां तो नहीं दे रखा है, तो ये तो वैसे भी तीनों गलत हो जाएगा। आंकड़े अपने आप बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब आंकड़े मिल रहा है मां शब्द आ रहा निकल करके,
तो आकर या पर्याप्त भी क्या होगा, गलत यानी ऑप्शन कौन सा जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आएगा इनमें से कोई नहीं। तो ब्लड रिलेशन का ये था हर टाइप का क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा। और एक चीज और है इसमें, पजल टाइप का जो प्रश्न है वो जो चैप्टर पजल पढ़ाऊंगा तब उसमें ब्लड रिलेशन के पजल वाले क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। तब तक आप क्या करेंगे, इतने क्वेश्चनों को जो मैंने बताया है हर टाइप का आप लगाएंगे, कोई समस्या होता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, जो क्वेश्चन डाउट होगा तो क्लास जब हमारा चलेगा ऑफलाइन, जब कोचिंग खुलेगा तो आप क्या करेंगे, उन क्वेश्चनों को पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। इतना आप तैयारी करिए। और जो बच्चे पहली बार वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। और प्लीज आप लोग लाइक और कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा आपको, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।